1952 को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने माला दी थी। पूज्य पिता ने इसी प्रकार मुझे ये थैली दी थी। क्या कहा था? एक तो जो स्वामी जी महाराज के कमरे में श्री अधिष्ठान है, मेरे पास धन दौलत के नाम पे सिर्फ यही है, श्री अधिष्ठान स्वामी जी महाराज का दिया हुआ और ये माला, ये तेरे को मैं अपनी जीवन का धन संपत्ति दे रहा हूं। अगर तेरे को कभी ऐसा मौका आ गया कि घर से उठा करके अपना कीमती सामान लेकर बाहर होना होगा, तो एक श्री अधिष्ठान को लेकर के, एक ये माला लेकर दुनिया के किसी कोने में चले जाना, तुम्हारे रास्ते में कभी भी कोई रुकावट ना होगी। ये स्वामी जी महाराज ने ये ऐसे ही माला पूज्य पिता को ये पहली माला दी थी। बहुत जाप किया हुआ था कि ये मैं अपनी माला देता हूं। ये बाद में स्वामी जी महाराज ने ये दोनों मालाएं ये मेरे को इसी प्रकार थैली में पूज्य पिता ने दी और फिर इसमें कुछ रुपए हैं। ये परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के दिए हुए हैं। ये तो पूज्य पिता को दिए हुए हैं और पूज्य मां को वह भी एक थैली पड़ी है जो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने दे रखे हैं। पैसे एक बार नहीं, अनेक बार, 5-5 रुपए भी हैं, 10-10 रुपए भी हैं और उसमें 50 रुपए भी हैं। कहते सत्संगों का बहुत खर्चा होता है, ये मेरा हिस्सा भी डाल लो। जाग तो वह लगा गए, आज जो कार्य कर रहे हैं, आज जो चल रहे हैं, ये वही महाराज ने वह जो एक अंश अपना डाल रखा है विस्तार से कार्य, इसीलिए ये चल रहे हैं। हम परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के ऋणी हैं। हम कोटि कोटि नमन करते हैं जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। पथ प्रदर्शन कीजिए, आप हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे। हम नाम जाप सत्संग सेवा स्वाध्याय पर हित परोपकार का जीवन जो आपने दिया, इसका अनुसरण करते रहे। हे गुरुदेव, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये बेदी खान दान सदा ही आपका नौकर, आपका सेवक, आपकी चरण शरण में सदैव ही अर्पित है। आपने सेवाएं प्राप्त करते रहना, अपना वरदान स्थापित करते रहना। हे गुरुदेव, ऐसी आपने कृपा करना, दया करना, मेहर करना। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आप सब